वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं LSE 5 फिजियोलॉजी। इसके अंदर हम आज बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट टू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ऑलरेडी हमने एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट वन, पार्ट टू, प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट वन कवर कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने इन तीनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के आप इन तीनों वीडियोज़ को देख लीजिए, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी तीनों वीडियोस के लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से भी उन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 16। डिफाइन अ शॉर्ट डे प्लांट, अ लॉन्ग डे प्लांट एंड अ डे न्यूट्रल प्लांट गिविंग वन एग्जाम्पल फॉर ईच। यहां पर आपको सबसे पहले डिफाइन करना है इन तीनों प्लांट्स के बारे में, फिर उनके एक एग्जाम्पल भी देने हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यह डिस्कस द वेरियस मैथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। फिर स्टेट द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लास्ट वीडियो में हमने आपको के पॉजिटिव आयन का क्या इफेक्ट होता है ऑन द स्टोमेटल ओपनिंग, इसके बारे में क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था, और यहाँ पर आपको CO2 का के कॉन्सेंट्रेशन से क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कंपेयर द फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन्स। What is the role of abscisic acid in seed dormancy and water stress in plants? जो ये water stress का जो topic है ये बहुत बार पूछा गया आपके exam में, तो आप water stress से related सारे points अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यह briefly describe the plant responses to light-dark cycles. लाइट डार्क साइकिल्स पे प्लांट का क्या रिस्पॉन्स होता है इसे आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ये 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर। लिस्ट एनी 4 वेज बाय विच प्लांट्स एडॉप्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस। डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस में प्लांट किस तरीके से अडॉप्ट करता है अपने आप को, इसके ऊपर आपको कोई भी 4 पॉइंट्स लिखने हैं। वट इज वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस क्या होती है, फिर आपको उसके इफ़ेक्ट भी बताने हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं क्रॉप प्लांट्स पे उसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है। ब्रीफली डिस्क्राइब वेंट्स एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की डिस्कवरी आप सभी को मालूम है कि वेंट्स एक्सपेरिमेंट से हुई थी, तो आपको यहाँ पर वेंट्स एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है। व्हाट आर द यूनिक फीचर ऑफ क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी के यूनिक फीचर्स के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज कंट्रोल बाय फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम कौन कौन से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है इसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो डायग्राम एक्सप्लेन कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल को यहाँ पर आपको फ्लो डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। सिर्फ फ्लो डायग्राम बनाना है, वर्ड के साथ जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं पैराग्राफ्स में वो यहाँ पर नहीं देना है। ये 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है। व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, फिर व्हाट इज द रोल ऑफ हेट्रोसाइट इन नॉस्ट एंड लैग हेमोग्लोबिन इन द न्यूडल्स ऑफ लेगम्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। डिफाइन स्ट्रेस इन प्लांट्स। नेम एनी 2 फैक्टर दैट कॉज स्ट्रेस इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है। विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स पोजेस रूट नूडल्स। वायर पिंक रूट नूडल्स आर इफिशियंट। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज फाइटोक्रोम्स। हाउ वॉज इट डिस्कवर्ड एंड नेम एनी 3 फाइटोक्रोम मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे पहले आप फाइटोक्रोम्स को क्या है उसे बताएंगे, फिर किस कैसे वो डिस्कवर हुआ ये, और फिर 3 फाइटोक्रोम्स की जो मीडिएटेड जो फाइटोक्रोम्स हैं जो मीडिएट करती हैं प्लांट के रिस्पॉन्स को उनके नाम लिखेंगे 3 फाइटोक्रोम्स के, ठीक है क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 है। कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। यहाँ पर आप 4 डिफरेंसेस बताएंगे, स्ट्रक्चर के भी 4, फंक्शन के भी 4, क्योंकि ये 4 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स इन प्लांट।
ऑक्सिन का क्या इफेक्ट होता है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये आज का वीडियो था, और 30 नंबर का क्वेश्चन जो लास्ट का था आज के वीडियो का, ये हमने LSE 5 के ऊपर 4 वीडियोस यहाँ पर इस वीडियो को लेकर के कंप्लीट कर लिया है। तो तब तक ले स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।